इन्फिनिक्स जीरो 20 वर्सेस रियलमी 10 प्रो 5G यूट्यूब 4K वीडियो बैटरी ब्रेन टेस्ट 100 to 0%। तो गाइस मेरे हाथ में है ये इन्फिनिक्स की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स जीरो 20 और रियलमी की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ रियलमी 10 प्रो 5G वाला स्मार्टफोन। आज मैं दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन बेसिस पे एक यूट्यूब के 4K वीडियो का बैटरी ब्रेन टेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे चेक करते हैं अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन्स में ओनली एंड ओनली यूट्यूब के 4K वीडियो को अगर आप प्ले करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन का इस 100 to 0% बैटरी को ड्रेन होने के लिए कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे और कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले बैटरी को ड्रेन करेगा अगर आप दोनों स्मार्टफोन में सिर्फ और सिर्फ 4K वीडियो ओनली वीडियो प्ले को कंटिन्यू करता है तो 100 to 0% बैटरी को ड्रेन होने के लिए। तो गाइस मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, खास करके जो मैंने अनबॉक्सिंग टॉपिक है वो मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर ऑलरेडी कवर किया, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाकर ईजिली आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर फ्री फायर का बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक मैंने कवर किया है, BGMI का बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक मैंने कवर किया है, पबजी न्यूस्टेट का भी मैंने किया है, एपेक्स लेजेंड का भी मैंने किया है। ये चारों जो गेम है सारे गेम्स को लेकर मैंने एक इसका जो कंपैरिजन बेसिस पे है बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक मैंने कवर किया, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है 4K वीडियो का बैटरी ड्रेन टेस्ट करने की कि वीडियो प्ले में आपको बैटरी बैकअप कितना मिलता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरे गाइस उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब माय सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। तो बिकॉज ये दोनों ही स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स 020 और रियलमी 10 प्रो 5G, दोनों स्मार्टफोन्स की जो बैटरी है अभी पूरी की पूरी 100% चार्ज है। रियलमी का भी पूरा 100% चार्ज है और इन्फिनिक्स का जो 020 है ये दो इस स्मार्टफोन की बैटरी भी पूरी 100% यहाँ पे चार्ज है। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हो तो इन्फिनिक्स पूरा 90 है और यहाँ पर जो रियलमी है दोनों स्मार्टफोन 90% यानी कि 100% यहाँ पे चार्ज है। तो दोनों स्मार्टफोन में जो बैटरी टेस्ट करने वालों पूरा 100 to 0% का करने वालों। अब यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन से गए दोनों स्मार्टफोन में जो यूट्यूब का 4K वीडियो है उसे डायरेक्टली प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो प्योरली 4K वीडियो होगा। तो अगर दोनों स्मार्टफोन में ये रहा जो वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ, दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम यही वीडियो का जो मैं प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को प्ले कर दिया है, नाउ डायरेक्टली यहाँ पे प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रेजोल्यूशन दिखाता हूँ कि कितना रेजोल्यूशन होगा। तो ये है मेरे हाथ में इन्फिनिक्स का 020। तो यहाँ पर जो मैक्स टू मैक्स रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रहा है इस वीडियो में वो है 1440 पिक्सल्स और इस रेजोल्यूशन पर मैं वीडियो को प्ले करने वाला हूँ इस स्मार्टफोन में जो कि इन्फिनिक्स का 020 है। देन इसके बाद है ये रियलमी का 10 प्रो 5G, इसमें भी मैं सेम टू सेम यही रेजोल्यूशन रखने वाला हूँ जो कि होगा इसमें जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रहा है इस वीडियो में सेम वीडियो है जिसमें 1080p का रेजोल्यूशन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है सेम वीडियो में। अब डायरेक्टली यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में गाइस जो ब्राइटनेस है उसे मैं सेम टू सेम रखने वाला हूँ जो कि 60% एवरेज ब्राइटनेस होगा। तो 60% एवरेज ब्राइटनेस पर मैं दोनों स्मार्टफोन में 4K वीडियो को प्ले करूँगा। दैट्स ऑल अबाउट। तो ये रहा सेम वीडियो। सो एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैं टाइमर भी सेट करूँगा जिससे कि आप एक्टिविटी को ट्रैक कर पाओ। सो नाउ गाइस यहाँ पर भी टोटली 4 आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 4 आवर्स से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के 020 और इस रियलमी के 10 प्रो 5G वाले स्मार्टफोन में जो यूट्यूब का 4K वीडियो है वो कंटिन्यूसली बेसिस पे प्ले है। तो अभी आप चेकआउट करते हैं दोनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस। तो गाइस ये है दोनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस। तो ये है मेरे लेफ्ट साइड में इन्फिनिक्स 020 जिसका करंट बैटरी स्टेटस है 63% और रियलमी का 10 प्रो 5G है जिसका करंट बैटरी स्टेटस है 70%। तो दोनों स्मार्टफोन का ये है करंट बैटरी स्टेटस 4 घंटे का वीडियो प्ले का। अब यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर गाइस जो गेम प्ले होता है गेम प्ले में आपको वीडियो जो बैटरी बैकअप कम मिलता है और जो वीडियो प्ले होता है गाइस उसमें आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है। तो इस क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे तो अभी भी ये वीडियो प्ले है जिसके बेसिस पे यहाँ पे बैटरी बैकअप ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं और भी कंटिन्यू करूंगा जब तक कि दोनों स्मार्टफोन की बैटरी 0% ड्रेन ना हो जाए। तो फिर से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में यूट्यूब का जो 4K वीडियो है उसे कंटिन्यू रखते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स में और ये कितना परसेंट बैटरी को ड्रेन करता है। दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम यूट्यूब के 4K वीडियो को मैं प्ले करूँ सेम टू सेम।
सो गाइस यहाँ पर अभी टोटली 9 आवर्स यानी कि टोटली 9 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और पिछले लास्ट 9 घंटे से इन दोनों स्मार्टफोन में यूट्यूब का 4K वीडियो यहाँ पे चालू है। तो अभी यहाँ पे जो टाइमर है उसे मैं जरा यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ, और यहाँ पर अभी देखते हैं दोनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस। सो नाउ यहाँ पे चेक करते हैं दोनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस। तो गाइस यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये है दोनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस। तो जो इन्फिनिक्स 020 है इसका है 20% करंट बैटरी स्टेटस, और जो रियलमी का 10 प्रो 5G है इसका है 35% करंट बैटरी स्टेटस। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो नॉर्मली केसेस में गाइस जो दोनों स्मार्टफोन यानी कि जो इन्फिनिक्स का 020 है इसमें ऑलमोस्ट जो बैटरी आता है वो है गाइस नियरली 4500 mAh की बैटरी, और जो रियलमी के 10 प्रो 5G में आता है 5000 mAh की बैटरी। इसलिए दोनों स्मार्टफोन के वीडियो प्ले के बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज इसमें इन्फिनिक्स में बैटरी थोड़ा कम आता है और रियलमी में 5000 का आता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स 020 का है 20% करंट बैटरी स्टेटस, और 35% है रियलमी 10 प्रो 5G का, जो कि है 9 आवर्स में वीडियो प्ले बैक है। तो वीडियो प्ले बैक में आपको जो बैटरी बैकअप है ज्यादा ही मिलता है, और गेम प्ले में बैटरी बैकअप कम मिलता है। तो यहाँ पर वीडियो प्ले चालू है दोनों स्मार्टफोन का बैटरी स्टेटस का, इसलिए यहाँ पर 9 घंटे का बैटरी बैकअप है, और अभी भी दोनों स्मार्टफोन में बैटरीज बाकी है। तो फिर से आप कंटिन्यू करते हो चेक करते कि और दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम कंज्यूम करते हैं पूरा 0% ड्रेन होने के लिए। सो नाउ फिर से आप बैटरी स्टेटस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर अभी टोटली 11 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और लास्ट 11 आवर्स यानी कि पिछले 11 घंटे से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के 020 और इस रियलमी के 10 प्रो 5G दोनों स्मार्टफोन्स में जो यूट्यूब का 4K वीडियो का बैटरी डेंटेस्ट वो कंटिन्यू है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था पूरा मैंने 100% से स्टार्ट किया था दोनों स्मार्टफोन्स में, और अभी यहाँ पर टोटली 11 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं टाइमर को स्टॉप कर रहा हूँ। तो गाइस अभी जो ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन्स है दोनों स्मार्टफोन्स की जो बैटरी है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ड्रेन होने आ चुकी है। तो जो इन्फिनिक्स का 020 है और जो रियलमी का 10 प्रो 5G है, यहाँ पर ये है दोनों स्मार्टफोन्स की करंट बैटरी स्टेटस। तो जो इन्फिनिक्स का 020 है गाइस इसकी जो बैटरी है अभी पूरी ड्रेन हो चुकी है। तो इन्फिनिक्स 020 का करंट बैटरी स्टेटस है गाइस 4%, और जो रियलमी 10 प्रो 5G है इसका करंट बैटरी स्टेटस है 20%। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का 020 है ये जल्दी ड्रेन हो चुका है रियलमी 10 प्रो 5G के कंपेयर में, बिकॉज गाइस इसमें इन्फिनिक्स 020 में जो बैटरी है वो कम आता है, ओनली एंड ओनली 4500 mAh की बैटरी आती है इस इन्फिनिक्स के 020 में। एंड देन उसके बाद ये जो रियलमी का 10 प्रो 5G इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है। तो दैट्स इज ऑल अबाउट, इसलिए रियल इन्फिनिक्स 020 ने थोड़ा बैटरी कम दिया है, बट ओवरऑली जो इन्फिनिक्स का 020 है इसने टोटली 11 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है यूट्यूब के वीडियो प्ले में, और जो रियलमी का 10 प्रो 5G है इसने टोटली इसमें अभी भी 20% बैटरी बाकी है। तो अगर मैं इसमें अभी भी वीडियो प्ले को कंटिन्यू करूँ तो ये और 1 आवर यानी कि 1 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, 1 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप देने वाला नहीं है। तो ओवरऑली ये आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप देता है रियलमी 10 प्रो 5G वीडियो प्ले बैक में। तो ये था गाइस इन दोनों स्मार्टफोन का एक यूट्यूब के 4K वीडियो का बैटरी डेंटेज, जिसमें इन्फिनिक्स 020 ने 11 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है और रियलमी 10 प्रो 5G ने टोटल 12 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है वीडियो प्ले बैक में। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैटर करता है ब्राइटनेस। तो दोनों स्मार्टफोन में मैंने ब्राइटनेस रखा था 60% एवरेज ब्राइटनेस, इसी ब्राइटनेस में मैंने दोनों स्मार्टफोन में वीडियो को कंटिन्यू किया था। दैट्स ऑल अबाउट।